And 3 seconds it will need for execution. So 3 plus 1, 4 is total turnaround time, and waiting time is 1. ठीक है, then process P2 has arrived at 3rd second, so it has wait for 2 seconds. ठीक है, so waiting time is 2 and burst time is 8 plus. क्या करते हो? मैम वेटिंग टाइम 3 होना चाहिए ना. अच्छा ये 3 पर अराइव हुआ है ना, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड्स हुआ ना. गैंट चार्ट बना, चार्ट बना लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. आप यहाँ पर बनाओ मैम, 2 ही है, 2 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 सेकंड पे थोड़ी ना किसी का अराइवल हो रहा है ना. ये देखिए 0 सेकंड, ये 0 सेकंड है, this is 1 and this is 2. यहाँ पर P4 मैं लिख लेती हूँ properly, है ना, अच्छे से solve करते हैं ऐसे. यहाँ पर P2 आया 3rd second पे और उसको CPU allot हुआ 6 second पे, तो मैम 3 second हुआ ना. Just a second, हम पूरा solve करते हैं. मुझे बस एक बार numerical लिख लूँ मैं यहाँ पर. So we'll draw a Gantt chart for this. ठीक है, तो 0 सेकंड पे तो बेसिकली कोई आ नहीं रहा है, तो हम 1 से स्टार्ट. 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 सेकंड पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वी आर फॉलोइंग. तो P3 हैज अराइव, P3 ने एग्जीक्यूट किया, इट विल एग्जीक्यूट फॉर मैम 1 सेकंड पे P4 आया है, सॉरी. P4 आया है ना, दिस इज P4. P4 will take 2 seconds to execute. So it will execute for 2 seconds. So 1 sec 3. ठीक है, यहाँ तक P4 execute करेगा. Yes. Then after P4, P5 has arrived, है ना? P5 आया तो P5 को allocate किया. It will execute for 3 seconds, है ना? P5. इस तरह से भी आप Gantt chart बना सकते हो. Yes, ठीक है. Then P5 के बाद आया है P2. कि P2 will execute for 8 seconds. ठीक है, सो P2 has taken 8 seconds to execute. P1, 2, 3,
मैम P2 का आपने P4 P5 P6 लिख दिया। एक सेकंड, P2 का लिख रही थी ना मैं, तो ये यहाँ से है ना, ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो P2 is taking 8 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 seconds. ठीक है, तो ये 13 एंड 14 तक जा रहा है गया इंसान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। P2 के बाद कौन आ रहा है? P3 आ रहा है एंड इट विल टेक 6 सेकंड्स। ठीक है, P3 5 एंड 6 सेकंड्स। सो ये हो गया 15 एंड 16। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड तक इसने एग्जीक्यूट किया। आफ्टर P3 क्या आएगा? P6। हाँ, P6 P6 विल टेक 4 सेकंड। ठीक है, सो P6 इज टेकिंग 4 सेकंड्स। यस मैम। एंड नाउ आफ्टर P6 मैं पहले वो लिख रही हूँ कैरेक्टर, अभी दे दूंगी। ठीक है, P6 आफ्टर P6 P1 विल कम है ना, एंड P1 विल टेक 5 सेकंड्स। P1 मैम आज ही देना है। आपका हो गया क्या? ठीक है, गैंट चार्ट में आप कहाँ तक एंट्री करोगे इसको आप टोटल अप कर सकते हो। क्या आ रहा है इसका? 11, 19, 21, 24, 28 है ना? Now we have to calculate the worst time. Sorry, worst time नहीं, waiting time. ठीक है, so we can see from the Gantt chart, P1 को कितना वेट करना पड़ा है। P1 कहाँ पर है? ये P1 अराइव कब हुआ? 6 पर हुआ अराइव। 6 पर मतलब यहाँ पर P1 अराइव हो चुका है, यहाँ पर P1 ने अराइव किया था, बट इसको कहाँ पर CPU अलॉट हुआ है? 24 पर। ठीक है, ठीक है, वेटिंग टाइम क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 18 सेकंड्स इसने वेट किया। नाउ टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है, तो वेटिंग टाइम प्लस दिस एग्जीक्यूशन टाइम, तो दिस विल बी 23। ये आ रहा है आप लोग? यस। ठीक है, देन P2 का चेक करते हैं। P2 ने कहां पर अराइव किया था? P2 हैज अराइव्ड एट 3rd सेकंड, यहां पर P2 आया होगा। ठीक है, और P2 को एलोकेट मिला, CPU कहाँ पर हमने दिया? 7 पर। वेटिंग, हाँ, 1, 2, 3, 4 है वेटिंग टाइम। 3, हाँ, 3 सेकंड। मैम P2 आया 3rd सेकंड पे और उसको CPU मिला 6 सेकंड पे, तो 3-1। ये मैंने गलत लिख दिया है, P2 को यहाँ पर मिला है। 1, 2, 3। ठीक है, देन इसका टोटल वर्स्ट टाइम क्या हो गया? 13, 11। देन P3 का चेक करते हैं। P3 यहाँ पर है, यहाँ पर उसको CPU मिला है, और आया कब है P3? 4th पर आया, यहाँ पर आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 16 इज द
टर्न अराउंड है, देन P4 का चेक करते हैं, P4 1 पर आया था, यहाँ पर आया था और उसको सीपीयू भी यही मिल गया था, नो जीरो वेटिंग टाइम, और इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया 2, ठीक है, 1 and 2 seconds. Now P5 has come here. P5 यहाँ पर आया था, arrive भी इसने यहाँ, P5 ने यहाँ arrive किया था और उसको मिला 1 second के बाद, तो 1 second उसका waiting time है और turn around time हो गया 4. Again P6 का check करते हैं, P6 has arrived at 5. यहाँ पर आया P5. और P5 को मिला है CPU कब मिला है? यहाँ पर आया P5 को CPU मिला है 1 second के बाद, ठीक है, 1 second P5 कंप्लीट कर चुके, P6 चेक करना, P6 has arrived at 5, यहाँ पर P6 आया है, then P6 को CPU मिला है, तो यहाँ पर मिला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seconds इसने वेट किया और टर्न अराउंड टाइम हो गया 19. ये करेक्ट है. Now we have to calculate the average waiting time and average turnaround time. So average waiting time अगर हम calculate करते हैं, it will be सबको add करना है. I'm 12.5 seconds. 5 divided by 6, 12.5 seconds. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. इस तरह से कैलकुलेट करें. मैम, P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम 19 आएगा. P1 का बोल रहा हूँ. हाँ, P1 अराइव किया, P1 ने यहाँ पर P1 ने अराइव किया 6 second पे, ठीक है, और P1 को हमने एलोकेट किया CPU यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वेटिंग टाइम कैसे निकालना है, 24 माइनस 5, 1, 2, 3, 4, 5, 24 माइनस 5 करोगे तो आएगा 19. जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ही तो आ रहा है. हम 24 में 6 करेंगे तो 18 ही तो आएगा, 19 कैसे आएगा? 19 कैसे आएगा? हाँ, 24 माइनस 6 किया ना आपने, तो 18 ही आ रहा है. आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से चेक कर सकते हो ना, गैंट चार्ट बना के, ये देखो ना, ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से कैलकुलेट, यहाँ ऐड अप करोगे तो 16 सेकंड्स के लिए वेट कर रही है, ठीक है. गैंट चार्ट पहले आप, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, गैंट चार्ट बनाइए, गैंट चार्ट से फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए. हो सकता है फॉर्मूले में इसके भी अगर, हो सकता है 2 पे अगर पहला क्वेरी प्रोसेस आ रही है तो ये करने में आपको अगर गलत आंसर आ रहा है तो यू कैन चेक इट बाय द गैंट चार्ट, कि गैंट चार्ट से बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका आंसर. क्लियर है बेटा? 19 कैसे आ गया आपका? हम्म,
सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर कैलकुलेशंस करना है। एक न्यूमेरिकल और दे रही हूँ, फिर उससे रिलेटेड एक टॉपिक और। यस मैम, कैन यू ज़ूम इन अ बिट? या कैन यू प्लीज रिपीट? यस, व्हाट यू आर सेइंग? मैम राइट साइड, कुड यू शो द राइट साइड? यस यस यस। This is the Gantt chart. Those who have not done this question as a homework, they can draw it in your copy right now. This is important. CPU scheduling algorithms are important. Numerical will definitely come in your exam. And it is asked in GATE also or any competitive exam. This topic is very important. Always there is a question from this topic, CPU scheduling. Ma'am? Ma'am? Ma'am, that 65 by 6 is 12.5. ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप चेक कर लीजिए। मैंने नहीं किया कैलकुलेटर से, जस्ट चेक कर। 65 डिवाइडेड बाय नहीं, 10.9 ऐड गलत हुआ है। मैम ऐड गलत हुआ है। अच्छा ऐड गलत किया मैंने। 19 है वो। ओके गलत लिखा है, दिस इज 19। ठीक है, सो इट विल बी 75। ये भी चेक कर लिया, ये करेक्ट है। 47 में 60 है ना? यस मैम सही है। अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन वी आर डूइंग फ्रॉम दिस टॉपिक। There are three processes, 1, 2, 3. Arrival time is given as 0, 1, and 2. And then burst time is 20. You can get to catch up. So arrival time is 3, 9, 12, 2, 15, and 3. So these
You can note down the question. And burst time is 2, 8, 9. Calculate average waiting time and average turnaround time using FCFS. This is your question. Kari, have you solved? दो प्रोसेसेस के अराइवल टाइम सेम है तो किसी को भी पहले ले सकते हैं. हाँ, किसी को भी ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप एक ये फॉलो करिए कि अगर दो प्रोसेस के सेम अराइवल टाइम है तो प्रोसेस वन जो हमने नंबरिंग की है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पहले ले लीजिए. तो उसको आप पहले कंसिडर कर लीजिए. ठीक है, और
6 second and average turnaround time 7.66 seconds. क्या आदत है average turnaround time? 7.66 seconds. और ये average waiting time? 3.16 seconds. ये आ रहा है सभी का? ठीक है सर, द फर्स्ट प्रोसेस इज अराइविंग एट 3 सेकंड्स 2 सेकंड्स. हम 2 से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. 2 ठीक है सर, एट दिस टाइम प्रोसेस 4 इज अराइविंग एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 3 सेकंड्स. सो देन 2 से 3, 3 से 4 and 4 से 5 till 5 इट विल एग्जीक्यूट. Then at 3, 1 and 5, at time, at 3rd second, process 1 and 6 are arriving at the same time. So, we can also schedule someone before. Suppose we are scheduling P1, it will execute for 2 seconds. 5 to 6 and 6 to 7. Okay? Then, at this time, par process... 6 भी अराइव हुई थी, then process 6 को हमने CPU allot किया, and it will execute for 1 second, till 8 it will execute. After इसके बाद कौन सी process आ रही है? This one, है ना? P2 will come at 9th. P2 यहाँ पर अराइव हुई. ठीक है, इस टाइम पे सीपीयू आपका बिल्कुल फ्री बैठेगा क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना? एट दिस टाइम सीपीयू विल रिमेन आइडल. नाउ एट टाइम 9 सेकंड P2 हैज अराइव्ड एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 8 सेकंड्स. Till 17, it will execute. After P2, P3 will arrive and it will execute for 6 seconds. P3 ne arrive kiya aur P3 ne arrive karke 6 seconds ke liye execute kiya. Theek hai? Ye 3 tak ye execute karega. P3 के बाद आ रहा है P5 and P5 15 seconds पे आ रहा है यहाँ के and it will execute for 7 seconds. 7 seconds calculate करिए. 23 पर इसको allocate हुआ है. Till 30 it will execute. So this is the Gantt chart. आप इसको properly बना सकते हो, पूरा दिखा के 2-3 से फिर ये पूरा दिखा सकते हो. मैंने short में बना दिया, ठीक है? ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम में, और वैसे भी आप पूरा बना सकते हो. As we have, as I have drawn in the previous question. Now we have to calculate the average waiting time and this turnaround time.
फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, वेटिंग टाइम यू हैव टू टेल फॉर प्रोसेस वन. प्रोसेस वन इज अराइविंग एट 3 और 5th पे उसको सीपीयू मिल गया था. तो 3 से 5 के बीच में क्या डिफरेंस है? 5 माइनस 3 2 2 सेकेंड्स के लिए इसने वेट किया. ठीक है, देन प्रोसेस P2 इज अराइविंग एट 9. उसने यहाँ पे अराइव किया और इसी टाइम पे उसको सीपीयू एलोकेट उसने किया था. वेटिंग टाइम इज 0. देन प्रोसेस P3 को 17 पे सीपीयू मिला है, उसने 12 पे अराइव किया था. तो 17 माइनस 12 इट इज 5 सेकेंड. ठीक है, देन P4 ये P4 ने 2 सेकंड्स पे अराइव किया और उसको P4 को 2 सेकंड्स पे सीपीयू मिल गया. 0 इज वेटिंग टाइम. देन P5 हैज अराइव्ड एट 15 एंड 23 पे उसको सीपीयू मिला. 23 माइनस 15 8 सेकंड्स के लिए उसने वेट किया. देन 6 पे प्रोसेस 6 ने अराइव किया 3 पर एंड सीपीयू 7 पर मिला. तो 7 माइनस 3 इज 4 ये वेटिंग टाइम. ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं क्या आ रहा है. दिस इज 7 19 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे जो भी आंसर आ रहा है 3.16. ठीक है, 16. नाउ टर्न अराउंड टाइम चेक कर लेते हैं. P1 का है 4. इन दोनों को ऐड करना है ना सिंपली. दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 11. टोटल किया हमने इसका 46 आ रहा है टोटल डिवाइडेड बाय 6, सो इट विल बी 7.6. ठीक है, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम? दिस इज अ वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम जो पहले यूज की जाती थी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोग बताइए. इस एल्गोरिथम को यूज करके हमें क्या जब नीचे सीपीयू को हिडल था. देखिए, इन एफसीएफएस इफ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है एंड इट हैज अराइव्ड, मतलब पहले ही अराइव हो चुकी है दैट प्रोसेस, तो उससे क्या होगा बाकी जो शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट वाली, मैंने बताया था सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है एंड इनपुट प्रोसेस बाउंड प्रोसेस होती है. नाउ देयर आर टू अदर टर्म्स. एक होता है सीपीयू बर्स्ट टाइम, वन इज इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम. तो व्हाट इज सीपीयू बर्स्ट टाइम? मतलब बर्स्ट टाइम आप समझते ही हो कि एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाना. ठीक है, तो कोई किसी भी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या होता है? जब उसने सीपीयू को कम्प्लीटली यूज करके वो बाहर आ चुका है, मतलब वहां सीपीयू उसने छोड़ दिया, दैट इज सीपीयू बर्स्ट टाइम. And input output burst time is जब कोई process input output operations complete करके free हो जाती है, that is burst time. ठीक है, so these are two terms. तो हम FCFS में दे रहे थे problem कि जो अगर आपकी long कोई process अगर arrive होती है, जैसे हमने in the first question we have seen, this was the first question. इसमें देखिए आपने P1 जो arrive हुई थी, it has 24 burst time. ठीक है, उसके बाद P2 P3 आए, लेकिन इनको बहुत कम seconds के लिए CPU चाहिए था. अगर हम इसको पहले CPU allot कर देते तो इनका waiting time बहुत कम हो जाता. हमने next question भी किया था, next question में हमने देखा था कि हमने P2 P3 का arrival time जल्दी करके, तो इसमें आपने you have checked the waiting time 3 seconds हो गया था, है ना? Average waiting time is 3 seconds. और यहाँ पर average waiting time is 16.33 seconds. Thank you.
Conway effect. Now, what is Conway effect? अराइवल टाइम हो जाती है उसमें. दो प्रोसेस के अराइवल टाइम अगर सेम हो जाए तो. दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाए तो क्या होगा? यानी कॉनवॉय इफेक्ट. नहीं नहीं ये नहीं होता है. कॉनवॉय इफेक्ट ये होता है कि ऑल द प्रोसेस आर वेटिंग फॉर अ वन बिग प्रोसेस टू कंप्लीट. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि दो छोटी छोटी प्रोसेस बाद में आई थी, बट दे हैव टू वेट फॉर वन लॉन्गर प्रोसेस टू कंप्लीट. की वो वेट कर रही काफी लंबा वेटिंग टाइम. दिस इज नोन एज कॉनवॉय इफेक्ट. ऑल द प्रोसेसेस वेट फॉर वन बिग प्रोसेस टू कंप्लीट. एक मतलब सारी की सारी प्रोसेस एक वन एक लॉन्गर प्रोसेस या एक वन बिग प्रोसेस के लिए वेट कर रही है कि वो सीपीयू को जल्दी से डीएलोकेट कर दे, छोड़ दे. ऑल द प्रोसेसेस वेट फॉर वन बिग प्रोसेस टू गेट ऑफ द सीपीयू. दिस इज कॉल्ड कॉनवॉय इफेक्ट. FCF is has a limitation या suffers from ये इसकी drawback है सर. ठीक है, जैसे आप suppose bank में जा रहे हो, ठीक है, bank में आपने queue form की क्योंकि वहां तो first come first serve process follow होती है. suppose पहला जो customer है उसको बहुत ज्यादा transactions या बहुत ज्यादा उसको time लगेगा. ठीक है, जो भी वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है या पैसे सबमिट कर रहा है जो भी है, ही इज टेकिंग सो मच टाइम. बाकी के जो पीछे कस्टमर्स हैं उनको काफी कम समय के लिए काम है, फॉर वन मिनट और वन सेकेंड. ठीक है, तो क्या होगा, बाकी जो कस्टमर्स हैं पीछे वाले वो वेट करते रहेंगे कि जो आगे वाला जो पर्सन है वो कब फ्री करेगा, तब हमारी चांस आएगी. तो दिस इज द सेम इफेक्ट विच इज अवेलेबल इन FCFS एल्गोरिथम. All the small processes are waiting for one big process to get off the CPU. मैम तो फिर starvation क्या होता है? Starvation अलग होता है, वो होती है भुखमरी. हाँ, maybe starvation होता है, भुखमरी होती है. मतलब आपको CPU मिली नहीं रहा, बहुत time तक वेट किए जा रहे हो, वेट किए जा रहे हो, CPU allocate नहीं मिल रहा, आपको मिल नहीं पा रहा CPU. That is starvation. ठीक है, जैसे priority scheduling में starvation होता है. Priority scheduling में क्या होता है, जिसकी priority ज्यादा उसको CPU मिलता जाता है, जिसकी लो प्रायोरिटी है उसको सीपीयू बहुत मिलता ही नहीं है, काफी टाइम तक वो वेट करता है. तो इनडेफिनेट टाइम के लिए जब वो किसी प्रोसेस को वेट करना पड़ता है सीपीयू के लिए, दैट इज नोन एज स्टारवेशन. मतलब वो रेडी है रन करने के लिए बट उसको सीपीयू मिल ही नहीं रहा है काफी टाइम तक, दैट इज स्टारवेशन. इस FCFS में तो स्टारवेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये प्रोसेस कभी ना कभी तो सीपीयू लेफ्ट करेगा ही ना, उसको मिलना ही है. मतलब डेफिनेटली हर प्रोसेस को टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर अराइवल टाइम. लेकिन प्रायोरिटी में क्या होता है, प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है उसको पहले मिलेगा, बाकी कुछ प्रोसेस फिर वेट करती रह जाती है काफी टाइम तक, उनको मिलता ही नहीं है सीपीयू बहुत टाइम तक. दैट इज स्टारवेशन. प्रायोरिटी एल्गोरिथम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग, उसमें ये स्टार्वेशन में सीपीयू नहीं मिलता है, काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है, इनडेफिनेट टाइम. मतलब उसको नहीं पता कितने टाइम, जैसे FCFS में तो एक आपका फिक्स टाइम है कि चलो इस टाइम के बाद जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी प्रीवियस प्रोसेस तो सीपीयू मिलना ही है, क्योंकि उसकी इट डिपेंड्स ऑन द अराइवल टाइम है ना. लेकिन प्रायोरिटी में क्या होता है, अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बार बार आ रही है तो आपको थोड़ी ना सीपीयू मिलने वाला है किसी एक प्रोसेस को, वेट करती रहेगी वो. ठीक है, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम उसमें आ गई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. हम आगे बढ़ेंगे जब वो उसमें देखेंगे. ये आपको कॉनवॉय इफेक्ट क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? कॉनवॉय इफेक्ट में बेसिकली वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी प्रोसेस को बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ता है. Thank you.
अभी डाउट हो तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। पूछ लीजिए आप कुछ डाउट हो तो उसमें एचसीएफ इसमें। क्योंकि FCFS जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है ना, एक बार किसी ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब उसको बीच में नहीं रोक सकते। FCFS के प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करता है और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कॉन्वो इफेक्ट मतलब वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। लेकिन स्टारवेशन जैसी सिचुएशन तो नहीं आती, सीपीयू तो मिल रही है ना टाइम बाद। अब जैसे आप बैंक में जाते हो, लाइन में आप खड़े हो या रेलवे स्टेशन पे टिकट, तो ऐसा तो है नहीं आपकी चांस नहीं आएगी, आपको भी एंटरटेन किया जाएगा, बट यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। सो कॉन्वो इफेक्ट बेसिकली वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है स्मॉल प्रोसेसेस का। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपकी अराइवल, जैसे कोई बड़ी प्रोसेस अगर पहले आ गई है, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस इन एचसीएफएस। हां अगर कोई स्मॉल बर्स्ट टाइम की प्रोसेस पहले अराइव हो रही तो देन कॉन्वो इफेक्ट नहीं भी होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में कॉन्वो इफेक्ट होगा ही होगा एचसीएफएस में, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर पहले ऐसी प्रोसेस आ जाती है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, जिसको एग्जीक्यूशन बहुत लंबे समय तक करना, तो फिर दिस सिचुएशन अराइजेस कॉन्वो इफेक्ट। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा इसमें इस तरह का कॉन्वो इफेक्ट आप कहाँ देखने मिल रहा है। आप देखो दो प्रोसेस का तो वेटिंग टाइम जीरो है, ज्यादा तो किसी को वेट करना नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट जो एग्जाम्पल देखा था उसमें आप देख रहे थे कितना लंबा टाइम वेट करना पड़ रहा था। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, P1 को 24 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करना, P2 P3 बैठे हुए हैं मतलब वेट किए जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली कॉन्वो इफेक्ट। लेकिन इस एग्जाम्पल में कॉन्वो इफेक्ट नहीं है बिकॉज स्मॉल प्रोसेसेस ने अराइव किया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ज्यादा किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा है ना। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। Now today, there is a time or not, now we will start with second scheduling algorithm, that is shortest job first, attendance lete hain, next class mein start karenge, theek hai? EC branch, roll number 1, roll number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैम 11:30 से नेक्स्ट क्लास है, आप अटेंडेंस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं शेयर कर दूंगी, अपलोड कर देती हूँ।